बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग यूनिवर्सिटी कंट्रोल। इस पेपर फर्स्ट जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग यूनिवर्सिटी कंट्रोल का, इसमें जो चैप्टर चल रहा था अपना कैप्टन बस्टिंग, और इस कैप्टन बस्टिंग के चैप्टर में अपन देख रहे थे मेथड्स ऑफ कैप्टन बस्टिंग। और मेथड्स ऑफ कैप्टन बस्टिंग में भी हम दो तरह के मेथड देख रहे थे, ट्रेडिशनल मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड में पहला मेथड था पे बैक पीरियड मेथड। अब पे बैक पीरियड मेथड में भी दो विधियां थी, जब रोकड़ जो अंतर्भाव है कैश इन सोर्स है यदि वो इक्वल है, यानी कि प्रत्येक वर्ष उस प्रोजेक्ट हम काम में लेते हैं उससे मशीन से यदि हमें प्रत्येक वर्ष इक्वल कैश फ्लो मिलते हैं तो उसके लिए अपने फॉर्मूले के आधार पर हमने उसका निकाला था। जैसे मान लीजिए 50,000 रूपये की कोई मशीन है, प्रोजेक्ट की लागत उसकी 50,000 रूपये की है, और उससे 10,000 रूपये प्रतिवर्ष कैश इनफ्लो आ रहा है, और कैश इनफ्लो कैसे चाहिए बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, तो 10,000 रूपये प्रत्येक साल समान है, तो चूंकि 50,000 रूपये लागत है तो 5 वर्ष में उसकी रिकवरी हो जाएगी, तो पुनर्भुगतान के अंदर उसकी 5 वर्ष आएगी। यहाँ पर स्थिति है कि यदि जो कैश इनफ्लो है वो प्रत्येक वर्ष समान ही है, यानी कि प्रत्येक 10,000 रूपये नहीं है, किसी साल कम होते हैं किसी साल ज्यादा होते हैं, और व्यवसाय में साथ में ये स्थिति आती है कि ये जरूरी है कि प्रत्येक साल कैश इनफ्लो अपना बराबर ही हो। अब मान लीजिए कैश इनफ्लो समान नहीं है, ऐसा वन की स्थिति में है, तब हम पे बैक पीरियड कैसे ज्ञात करेंगे, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि ऐसा मान कैश इनफ्लोज है तो हम संचय जो बचत है क्यूमुलेटिव सेविंग्स के आधार पर हम इसे की जो पे बैक पीरियड है वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज करिए किसी जो कंपनी है और वो दो प्रोजेक्ट हैं, यानी कि मशीन ए एक्स है और मशीन वाई है, दोनों की लागत 40,000 रूपये ईच है, यानी कि एक्स मशीन की लागत भी 40,000 रूपये की है और वाई मशीन की लागत भी 40,000 रूपये की है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मशीन जो एक्स है पहले साल में उसे 10,000 रूपये का कैश फ्लो प्राप्त होता है, उसे साल में 15,000 रूपये प्राप्त होता है, तीसरे साल में 20,000 रूपये का कैश फ्लो प्राप्त होता है, चौथे साल में 10,000 रूपये का है, पांचवे में 15,000 रूपये का, और छठे साल में 10,000 रूपये का है। आप यहां देख रहे हैं कि पहले साल में 10,000, नेक्स्ट 50,000, नेक्स्ट 20,000, नेक्स्ट 10,000, 50,000, 10,000, ये इक्वल नहीं है, ये ऐसा मान है अनइक्वल है। ये तो हो गया मशीन एक्स का, ऐसे हम देखते हैं मशीन वाई का। मशीन वाई में पहले साल में फर्स्ट ईयर में है 5,000, सेकंड ईयर में है 50,000, थर्ड ईयर में 20,000, और फोर्थ ईयर में 50,000, फिफ्थ ईयर में 70,000, और सिक्स ईयर में 12,000। अब आपको मशीन एक्स की पे बैक पीरियड की गणना करनी है और मशीन वाई की पे बैक पीरियड की गणना करनी है, फिर आपको ये देखना है कि इसमें से एक्स मशीन का चुनाव करें या वाई मशीन का चुनाव करें। तो हम उस मशीन का चुनाव करेंगे जिसकी पुनर्भुगतान की अवधि सबसे कम आएगी। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, पुनर्भुगतान की अवधि ज्ञात करनी है। तो पुनर्भुगतान की अवधि ज्ञात करने के लिए हमें संचयी जो बचत है वो निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम एक्स मशीन की पुनर्भुगतान अवधि ज्ञात करते हैं। एक्स मशीन की पहले साल में है 10,000 रूपये, दूसरे साल में 15,000, तो 10 और 15 25,000, 25,000 ये होगी इसके संचय। तीसरे साल में है 25 और ये 45, फिर 55, फिर आ जाएगा ये 70,000 और ये आ जाएगा, ये तो एक्स मशीन तो हो गई। यहां वाई मशीन के ले लेते हैं, वाई मशीन के पहले साल में 5,000, दूसरे साल में 15, 15, 5, 20,000, तीसरे साल में है 20 और 20, 40,000, चौथे साल में है 40 और 15, 55,000, पांचवे साल में है 55 और 17, 62,000, और छठे साल में है 12, 84,000। अब मशीन एक्स में हम देख रहे हैं कि ये जो कैश इनफ्लो दे रखे हैं ये बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स दे रखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन निकला हुआ है तो आपको उसमें कैलकुलेट करने का अवसर नहीं है, क्वेश्चन में जो कैश इनफ्लो दे रखे हैं वो लिखने हैं यदि आपका और दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर एक्स मशीन जो है इसके क्वांटिटी हम देखें, पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 25,000, और तीसरे साल में 45,000, जब इसकी लागत कितनी है 40,000। तो इसकी जो हम कैलकुलेट करेंगे पेरोपी तो दो वर्ष तो ये हो गए। अब जो तीसरे वर्ष में लाभ हुआ वो 45,000 रूपये क्यूमुलेटिव आ रहे हैं इसकी, है ना, और लाभ हुआ तीसरे वर्ष में 20,000 रूपये का, 25 के लिए हमें चाहिए कितने और 15,000 रूपये चाहिए, तो दो वर्ष तो ये हो गए, तो 15,000 बटे 20,000
इंटू बार 12 महीने होते हैं तो मंथ कैलकुलेट करने के बाद नहीं हो तो 2 वर्ष और 9 महीने इसकी एक्स मशीन की पुनः उत्थान की अवधि आ गई। वाई मशीन का हम देखते हैं तो 5, 20, 40 यानी कि जो 3rd वर्ष है इसकी रियर साली इसमें तो एक्यूरेट आ गई और यहां पर आ गई 2 वर्ष और 9 महीने। तो अब एक्स मशीन की जो पुनर्भुगतान अवधि आई वो आई 2 वर्ष 2 ईयर से 9 मंथ और एक्स वाई मशीन की पुनर्भुगतान की आई 3 ईयर्स। तो अब आपको दोनों से किसी एक्स एक मशीन का चयन करना है तो नियम ये कहता है कि जिस मशीन की जिस प्रोजेक्ट की पुनर्भुगतान की अवधि सबसे कम होगी उसका चुनाव करेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि एक्स मशीन की तो है 2 ईयर 9 मंथ और वाई मशीन की 3 ईयर्स तो सबसे कम किसकी हुई एक्स मशीन की तो यहाँ पर एक्स मशीन का चुनाव किया जाएगा। तो इस के आधार पर आप पुनर्भुगतान की अवधि ज्ञात कर सकते हैं यानी कि उनके कंप्यूटर लेंगे। और यहाँ पर जो एक बार पुनः समझ लीजिए 3rd साल है क्योंकि 2 साल में 25,000 रुपए हो गए हैं अब उसको 40,000 करने के लिए हमें 15,000 रुपए चाहिए जबकि 30,000 प्रॉफिट कितना हुआ टोटल 20,000 रुपए का। तो 15,000 × 20,000 × 12 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मंथ इसका कैलकुलेशन आएगा 2 ईयर्स 9 मंथ ये इसकी पुनर्भुगतान की अवधि आ गई। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होगा वो क्या होगा कि पुनर्भुगतान की अवधि एक्स मशीन की तो आ गई 2 ईयर्स 9 मंथ और वाई मशीन की आएगी 3 ईयर्स। और जो जवाब होगा हमारा कि किस मशीन का चुनाव करना है तो मैनेजमेंट एक्स मशीन का चुनाव करेगा क्योंकि एक्स मशीन की पुनर्भुगतान अवधि वाई मशीन से कम है। थैंक यू।